अपनी जो सीट बनी हुई थी अपन वही ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया ये है पर, और यहां से कहाँ गई अपनी सीट ये है। हमने इसमें इतना बता दिया था आपको, तो ये लेट मिनट, बार खबर, स्पार मिनट, सेल वगैरह ये सब आ गया था आपको निकालना सभी स्टूडेंट्स को। जबरदस्ती नहीं, हाँ कर रहे, हाँ आ गया होता है, आया नहीं हुआ तो आगे बता दे। ठीक है फिर नेक्स्ट है इसमें, टोटल लेट मिनट अपन ने निकाल लिए थे और यहाँ पे टोटल लेट मिनट सैलरी भी निकाल ली। अब आपने जो नेट सैलरी निकाली है यहाँ पर, ये कौन सी सैलरी है? लीव और एब्सेंस की कट करने के बाद। अगर आप लेट मिनट भी कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दो कॉलम और इंसर्ट करने रहेंगे। क्या करेंगे आप? तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं इंसर्ट, फिर राइट क्लिक करते हैं इंसर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे आप? आगे पीछे कर सकते हैं कॉलम को, जरूरी नहीं कि हम यहाँ कर रहे तो आप भी यहीं करें। अपन इसमें लिख देते हैं आफ्टर लेट मिनट सैलरी। ये अच्छा नहीं लग रहा, अपन अपर केस में लिखते हैं आफ्टर लेट मिनट सैलरी, ठीक है आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? जो आपने यहाँ पे ये LM वाली सीट में क्या लिया है, टोटल लेट मिनट सैलरी, ये आपको इसमें लेकर जाना है। तो क्या करेंगे आप? इस पे इक्वल करेंगे आप, लेट मिनट की सीट पर जाएंगे और ये लेना है, इस पे क्लिक करेंगे और एंटर। तो देखिए आ गया आपका टोटल लेट मिनट सैलरी, और आप इस डॉट पे जाकर क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। अरे सॉरी सॉरी, अपन ने क्या किया, हेडिंग कर दी यहाँ पे। अपन ने हेडिंग तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिख लेंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप हेडिंग लेंगे ना तो उस टाइप से वो फिर नहीं लेगा आपका। कंट्रोल सी से अपन कॉपी कर लेते हैं इसको और इसमें जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब आपको फॉर्मेटिंग सेम ऐसी वाली करनी है, तो इस पर क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर कर देंगे और इस पर कर देंगे। अब यहां से लेना है आपको, तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और जो आपके लेट मिनट है उस पर जाएंगे आप और यहाँ पे जाके एंटर कर देंगे। आगे 73 इस डॉट पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो सभी के आ गए लेट मिनट। ये सैलरी है उनकी लेट मिनट की। अब जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट मिनट कम या ज्यादा होंगे किसी पर्सन के, जैसे मान के चलिए दो दो तारीख को 60 मिनट लेट थे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 123 रुपये आ गया अमाउंट, तो ऑटोमेटिक आपके इसमें भी 130 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आफ्टर लेट मिनट सैलरी निकालनी है, तो इक्वल करेंगे आप नेट सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे और माइनस टोटल लेट मिनट सैलरी, उसको ड्रैग कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे आपकी नेट सैलरी पूरी बन रही थी, पूरी नहीं सॉरी 200 रुपये कट रहे थे क्योंकि एक लीव थी, बट इनकी यहाँ पे पूरी 7,000 बन रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी बिल्कुल भी लीव नहीं थी, पूरे मंथ प्रेजेंट थे ये, बट ये इनके 15 रुपये फिर भी कट गए हैं। देखिए कट गए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये लेट मिनट के कटे हैं। तो ये होता है आपका, क्या होता है, आफ्टर लेट मिनट सैलरी आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा आपका एक और कॉलम SDA। SDA मीन्स डेफिनेशन अमाउंट, क्या? अब यहाँ पे आपको SDA, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आप नेट सैलरी दे रहे हैं सामने वाले को या फिर आप आफ्टर लेट मिनट सैलरी दे रहे हैं, तो उस बेस पे आप यहाँ पे SDA निकालेंगे। और अगर जैसे आपको निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल देंगे, नहीं निकालना तो आप इतनी भी रहने दे सकते हैं, इतनी रहने दें,
अरे हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग करें, हम नेट का अलग करें और एस उसका अलग करें, तो आप क्या निकालेंगे? एसडीए नेट सैलरी, मतलब एसडीए कहा जाएगा, उसमें आप नेट सैलरी वाला कर देंगे कि आपकी नेट सैलरी कितना अमाउंट कट रहा है, और एक और बना देंगे एसडी आफ्टर लेट मिनट सैलरी, तो उसमें आप आफ्टर लेट मिनट सैलरी क्या कर देंगे कि आफ्टर लेट मिनट कितनी सैलरी कट रही है। पर अपन एक ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एक कॉलम और इंसर्ट कर लेंगे। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे कर लेते, राइट क्लिक इंसर्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसडीए इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे माइनस, किसको करेंगे आप? अगर आप नेट सैलरी दे रहे हैं तो माइनस नेट सैलरी कर देंगे, और आफ्टर लेट मिनट सैलरी दे रहे हैं तो आप आफ्टर लेट मिनट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पता चल जाएगा 323 रुपये कटे हैं इनके, और इसको ड्रैग कर देंगे तो इनको देखिए 15 रुपये कटे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले देखना रहेगा कि आपको कौन सी सैलरी दे रहे हैं, तो वो माइनस करनी पड़ेगी आपको बेसिक सैलरी में से, आ जाएगा। तो आप इसमें से कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए, ये फिर इसमें से कुछ पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, इतनी है ये सैलरी लिस्ट। एसडीए क्या करेंगे आप, यहाँ पे इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे। अगर आप सामने वाले पर्सन को नेट सैलरी दे रहे हैं तो नेट सैलरी माइनस कर देंगे, मतलब बेसिक में से माइनस कर देंगे नेट सैलरी। लेकिन आपको नेट सैलरी नहीं देना, आपको आफ्टर लेट मिनट वाली सैलरी देना है सामने वाले पर्सन को, तो क्या करेंगे, माइनस पर आप आफ्टर लेट मिनट सैलरी और एंटर कर देंगे। और कुछ? तो अपनी यहाँ पे ये सीट हुई कंप्लीट। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी आप पर डे पर लीव अब्सेंट सब उसी जैसी है जैसी आपने नॉर्मली सैलरी लिस्ट बनाई थी। ये वाली जो लिस्ट बनाई थी ना आपने, इसी की जैसे सेम वो वाले फॉर्मूले हैं, बस आपका एसडीए चेंज हो जाता है और नेट सैलरी। बाकी आप लीव अमाउंट निकालते हैं, एब्सेंट अमाउंट, वर्क हावर्स, ये सारे परमानेंट लेटमेंट, ये सब आपका वैसे ही फॉर्मूले हैं जैसे आपने इसमें निकाले हुए थे। आ जाएगा या नहीं, कुछ तो बोलिए, आ जाएगा? ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट, ने कितनी सीट बता दी हमने, कितनी सीट बता दी अभी तक हमने, कितनी लिस्ट बता दी, सॉरी, सात, कौन कौन सी? सैलरी लिस्ट, सैलरी अटेंडेंस लिस्ट, फिर और, अरे लेट मिनट वाली, अच्छा वो अलग अलग नाम पर, मतलब वो तो ऐसा कीप करूँ। कितनी हो गई आपके टोटल? छह। तो छह किस किस को सीट आ गई सभी को? मतलब किसी को भी नहीं आए? ठीक वो तो हमें पता है, यहाँ के कोई नहीं बताएगा। देखिए आप क्या सोच रहे हैं कि जैसे आप कुछ याद करते हैं बुक का, उस टाइप से आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। बस आपको कितना याद रखना कि किसने किसका सेल एड्रेस लेना है, अगर ये याद रहा ना आपको, तो आपको ये इजी रहेगा इनको बनाने में, सीट बनाने में। अगर आप बिल्कुल रटेंगे रट्टू टोटा के जैसे रहेंगे ना कि बिल्कुल ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, तो आप भूल सकते हैं, और आप थोड़ा समझ से करेंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए फिर अपन आगे करते हैं। तो अपन यहाँ पे इन सीट को क्या कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, अपन कंट्रोल प्लस एन से न्यू सीट ले लेते हैं। ठीक है, या फिर आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ से न्यू ले लेंगे। अब अपन इसमें आज अपन आगे पढ़ेंगे रिव्यू टैब। अभी आपकी एक और सीट है, लिस्ट है मतलब कि, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आप इतनी कंप्लीट करना पूरी, सभी स्टूडेंट जो पीछे रह गए हैं वो भी अभी कंप्लीट करना।
अब यहाँ पे फर्स्ट है आपका, यहाँ पे क्या है, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में फर्स्ट ऑप्शन आपका है स्पेलिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे करते हैं, आपने ये एमएस वर्ड में भी पढ़ा हुआ था, उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर करके था शायद से, या फिर स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग था उसमें। तो क्या करते थे, जो भी आपकी रॉन्ग स्पेलिंग रहती थी उसको आप क्या करते थे, सही में लेते थे, चेंज कर देते थे। तो वही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे कोई सी गलत स्पेलिंग लिखेंगे ना तो वो आपको यहाँ पे चेंज कर देगा। क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हैं? अच्छा, आपने ये बोला था कि मैडम कंप्यूटर लिखेंगी। देखिए, अपन ने यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिख ली। अब आप क्या करेंगे, रिव्यू टैब और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्राम, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे उससे रिलेटेड स्पेलिंग दे दी उसने सही वाली। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, या चेंज, चेंज ऑल। तो एक से ज्यादा बार होनी चाहिए पहले ये आपके पास स्पेलिंग। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने इतनी बार ले लिया इसको, ठीक है। जैसे कि आपकी फर्स्ट वाले पे क्लिक है, अब आप यहाँ पे स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो भी स्पेलिंग लेनी है, मतलब यहाँ पे जो भी स्पेलिंग अप्लाई करनी है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अपन क्या लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर, बस मैंने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया। अब आपका आ रहा है इग्नोर, आप इग्नोर कर देंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा वो, और इग्नोर ऑल कर देंगे तो वो सभी में यही स्पेलिंग ले लेगा। अभी अपन ने एक ही को किया है इग्नोर। इसके बाद है चेंज, चेंज करेंगे तो देखिए वो चेंज हो गई कंप्यूटर की, सही ले ली उसने, फिर नेक्स्ट वाले पे आ गया। और एक साथ आप चेंज ऑल करेंगे और ओके करेंगे तो एक साथ सभी की चेंज हो जाएगी। बट अभी आप देख रहे फर्स्ट वाले की नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि अपन ने उसको इग्नोर किया हुआ था, तो वो चेंज नहीं होगी फिर आपकी। बाकी सभी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, गया फिर आपने दूसरा ले लेंगे। रिसर्च मीन्स क्या होगा, जैसे आप कुछ सर्च वगैरह करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, कुछ टॉपिक नहीं मिलता आपको तो आप सर्च करने लगते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में रिसर्च करना है, जैसे कंप्यूटर लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे कुछ भी नहीं दे रहा, फिर ये एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ी देर आप वेट करेंगे, दे दिया तो उसने यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे ना तो और मिल जाएंगे आपको ये, और कोई सा वर्ड लिखेंगे आप यहाँ पे तो उसके बारे में देगा। पर ऐसा लिखना जिसकी कोई मीनिंग हो, ऐसा मतलब ना कि कुछ हो ही ना उसका मतलब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इसमें क्या होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस रहते हैं, वर्ड रहते हैं, वो आपको यहाँ पे दे देगा सर्च करके। आ रहे हैं, प्रोसेसर, सीपीयू, लैपटॉप वगैरह ये सब होते हैं। तो आप यहाँ से एक वर्ड के जो भी उससे रिलेटेड वर्ड आपको ढूंढना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है, मतलब हाँ, गूगल ट्रांसलेट जैसे आप बोलते हैं हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, या फिर किसी और लैंग्वेज में करना हो आपको तो किसका यूज करते हैं आप, ट्रांसलेट का। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, कीबोर्ड। और यहाँ पे कुछ पहले से लिखा ही हुआ है अपने पास। अब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर आ रहा है, और यहाँ पे फ्रॉम में है अभी आपका इंग्लिश, टू, टू में कौन सी लैंग्वेज है आपकी, फ्रेंच। आप अगर फ्रेंच में करना चाहते हैं तो ये देखिए आ रहा है आपका, इसे आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रांस इस टाइप का ले रहा, मतलब अपने जैसा ही ले रहा। हाँ,
अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी और लैंग्वेज में करना है तो आप यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी हैं, आपको जिस भी लैंग्वेज में लेना वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। देखिए आ गया यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा यहाँ पे, इंसर्ट का भी नहीं दे रहा, वो यहाँ पे बता रहा है इस टाइप से। हाँ वो पढ़ना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज करनी है तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ है दिख रहा है आपको, ये है ठीक है। जिसे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो सर्च करके दे देगा, इंसर्ट करेंगे तो इसी की जगह पर इंसर्ट हो जाएगा वो, और अगर आप कॉपी करेंगे तो उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, तो अपन इंसर्ट कर देते हैं। देखिए ले लिया उसे, पता नहीं ठीक है। अब यहाँ पे ये कीबोर्ड है, जैसे कीबोर्ड को करना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड दे देगा, वो आ जाएगा आपका। अब ये हिंदी है आपका, इंग्लिश में लेना हो तो आपका यहाँ पे फ्रॉम में आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे और टू में इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश लेनी है आपको, और इंसर्ट कर देंगे। ले लिया, नहीं हिंदी मीनिंग होता है कंप्यूटर का संगणक, वो इसमें ले रहा है ऐसा। हाँ हो सकता है ऐसे काम, मतलब इंग्लिश में नहीं आ रहा हो इसलिए। अपन जैसे कि यहाँ पे करके देखती हैं हिंदी टू इंग्लिश, इसे हटा देती हैं, फिर से अपन यहाँ पे लिखते हैं। पूजा आप नीचे जाके, सॉरी सीमा आप नीचे जाके बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हिंदी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश, कहाँ गया इंग्लिश, ये है सही ले लिया आपने। अब अपन एक और टाइप से कंप्यूटर लेते हैं, ये लिखते हैं। ये तो अपन ने किस में लिखा है, हिंदी में, पर इंग्लिश में अब देखते हैं किस टाइप से लेता है, वैसे ही लेगा वैसे तो। इस पे क्लिक किया आपने, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट, और यहाँ पे आपको किस में लेना है, इंग्लिश में नहीं हिंदी है ये, तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर भी वही ले रहा है संगणक, हाँ वो लिख देते हैं होता है हिंदी में नहीं कंप्यूटर। यहाँ पे हिंदी है तो अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हिंदी, और इसमें अपन इंग्लिश करते हैं, वो कुछ और ही ले, कैलकुलेटर ले रहा है वो, देखिए कुछ और ही ले रहा है, अपन यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ये ले रहा है। नहीं हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तब तो वो सही लेता था, पता नहीं अब ये कंप्यूटर कंप्यूटर क्यों ले रहा है। फिर तो इस हिसाब से वो कीबोर्ड तो कीबोर्ड ही लेना चाहिए, पर वो कीबोर्ड का सही ले रहा है कुंजी पटक, कोई बात नहीं आप करके देखना, हो सकता है। हाँ माउस का वो चूहा लेगा, बताएं क्या, ओके यहाँ पे अपन लिख देते हैं, आप यहाँ पे लिख देते हैं माउस, MO, अरे ये उर्दू लिखा, मतलब हिंदी लिखा रही है, MOUSE लिखा। अब आप इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और यहाँ पे आपका माउस दे रहा है, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी लेनी है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, चुआ लिया ठीक है। माउस को बस अपन माउस ही बोलते हैं, अब इसमें हिंदी ले रहा है, चूहा बोलते थे पहले, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ना, जब हम हमारे छोड़ मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास, हमारे कंप्यूटर से बहुत थी, बहुत पतली, मुश्किल से 5 चैप्टर रहते थे, उसमें तो यही लिखा आता था।
नहीं वो हमारे लिए ना एक कंप्यूटर था हमारे स्कूल में सबसे पुराने से आपने रखा तेरा नंबर था, उसे खाते में खाते नहीं थे स्कूल में लेके, वो तो बस था कि हाँ कंप्यूटर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे। क्लोज करने कुछ पूछना है या फिर?